वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं देवबंद सिंह। प्रदेश में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं, लव जिहाद, ऐसे ही खबरें सामने आती हैं। आखिर क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार हिंदुओं को ही शिकार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हिंदू कभी सक्रिय नहीं होता। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर जिहादियों ने एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया है। वो चीख रही थी, वो तड़प रही थी, लेकिन जिहादियों को अपनी हवस मिटानी थी, इसलिए एक बार फिर से इन जिहादियों का शिकार हिंदू लड़की हो गई। यह घटना मुंडा पांडे क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोपियों के नाम जावेद, आसिम, इत्रजा, कादिर, इंतजार रहमान और दो अन्य अज्ञात है। घटना 2.5 महीने पहले की बताई जा रही है, जिसमें पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बनाई गई थी। पीड़िता का आरोप है कि वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस में तहरीर दी है कि करीब 2.5 महीने पहले वह बाजार में चूड़ी खरीदने गई थी। रास्ते में जावेद ने उसे जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। इसके बाद वह उसे जंगल में ले गए, जहां पर पहले से ही उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको अपनी हवस मिटानी थी। पीड़िता के अनुसार उन सभी ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसी दौरान आसिम नाम के एक जिहादी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो को दिखाकर वह पीड़िता को कहीं भी मुंह खोलने की धमकी दे रहे थे कि वह कहीं पर भी अपना मुंह ना खोले। पीड़िता ने लोक लाज और डर के कारण लंबे समय तक अपना मुंह बंद रखा। आरोप है कि पिछले 1 नवंबर को जिहादियों ने एक बार फिर से हिंदू लड़की को बुलाया, पीड़िता ने आने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और जिसके बाद उन्होंने वीडियो वायरल कर दी। तब पीड़िता ने अपने परिजनों को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद परिजनों ने जिहादियों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। तो देखा आपने किस तरीके से जिहादी हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं, इसलिए आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।